इस नए सेशन के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हमने नॉन प्लान के तहत अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म तो भर लिया। अब फॉर्म भरने के बाद हमें क्या करना होगा, रिजल्ट कब मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे चेक करेंगे, जो स्कूल हमने भरा है क्या हमें वही वाला स्कूल मिलेगा, रिजल्ट आने के बाद एडमिशन तक का क्या सफ़र और प्रोसीजर होता है, क्या क्या करना होगा आपको। आपके मन में कुछ इसी टाइप के बहुत सारे सवाल, कन्फ्यूजन, डाउट थे, तो मैं आ गया हूँ आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के। बस आपको क्या करना है, एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, उसके बाद कोई सवाल डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ओवरऑल आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट आने तक और एडमिशन तक का क्या सफ़र, क्या प्रोसीजर होगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब तो कर ही लेना, घंटा जरूर दबा देना और नोटिफिकेशन ऑन के साथ, ताकि आने वाली जो भी इससे रिलेटेड अगली अपडेट होगी आप लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा और आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, हम फॉर्म भर लिया, तो फॉर्म सबसे पहले तो इस सेशन के लिए फॉर्म 1 अप्रैल से शुरू हो जाते हैं हर साल, और इस साल भी 1 अप्रैल से हो जाना था। 1 अप्रैल से फॉर्म निकला भी था, फिर डिपार्टमेंट ने उसे लिंक को हटा दिया कुछ दिन बाद, और फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया कि 8 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू होंगे, और ये फॉर्म भरेंगे 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक। मतलब जो पहली साइकिल है उसमें 8 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी भर लीजिए, क्योंकि दूसरे और तीसरे साइकिल का वेट बिल्कुल ना करें, दूसरे तीसरे में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं, क्योंकि आशीष सर हैं तो सॉल्यूशन आपको मिलता है और पहले ही आप अलर्ट और अपडेट रहें। पहले साइकिल में ही 17 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 17 तारीख 5 बजे के बाद अपना फॉर्म नहीं भर सकते, तो 5 बजे का और 17 तारीख का वेट ना करें। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी, उस पर प्रॉपर वीडियो बनाया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब कुछ लिंक भी दे रखा है, और वो वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम कि रिजल्ट कब आएगा। तो जैसे ही आप फॉर्म भर देते हैं, आपका काम फिलहाल इतना ही रहता है, आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला होगा, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि साइबर कैफ़े से फॉर्म भरने की कम कोशिश करें, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले कई बार नंबर इधर उधर हो जाते हैं, और बहुत बार हमारे पास बच्चे कन्फ्यूज़न लेकर के परेशान होकर के आते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि भाई आपने एक फॉर्म भरा है, क्या क्या डिटेल सही है वगैरह वगैरह, अपने रजिस्टर फ़ोन नंबर से, उस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाया तो वो भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब हम जिस टॉपिक के लिए आए हैं उसकी बात कर लेते हैं। 17 तारीख तक आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक 29 तारीख को, 29 अप्रैल को इस सेशन के लिए 2024-25 के लिए रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के लिए भाई परेशान बिल्कुल ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं भटकने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं स्कूलों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, साइबर कैफ़े में भी आपको नहीं जाना, बस हमारे चैनल पे एक वीडियो आ जाएगी कि रिजल्ट कैसे चेक करें, मैं आपको वो वाला बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन चेक करना है, अपने फ़ोन से ही भरेंगे, अपने घर बैठे बैठे रिजल्ट चेक कर सकते हैं 29 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्कूल आपको मिला है। ये कैसे पता चलता है कि कौन सा स्कूल मिला है, तो देखिए फर्स्ट साइकिल में तो 90% चांस रहते हैं आपने जो स्कूल भरा है वो वाला आपको मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं, जो आपने प्रूफ वगैरह डाला, अपना एड्रेस वगैरह डाला है, उस एड्रेस के अकॉर्डिंग नियर बाई है ना, नियर बाई देखा जाता है सबसे पहले। मान लीजिए एक स्कूल के लिए 500 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, अब स्कूल 400 बच्चों को ही लेगा, तो 400 बच्चे कौन से होंगे, वहाँ पर एड्रेस देखा जाएगा कि जिनका सबसे नज़दीक वाला एड्रेस होगा उनको ले लिया जाएगा, और बाकी जिनका इधर उधर दूसरा स्कूल है उनको वो वाला मिल जाएगा। मान लीजिए आपका ये वाला स्कूल भरा आपने, लेकिन आपके घर के पास में कोई दूसरा स्कूल भी है और आप उन 400 में नहीं आते हैं, आप 400 के बाद 500 में आते हैं, तो आपको जो आपने भरा वो ना मिल करके आपके घर के बगल वाला स्कूल मिल जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या रहता है, सबसे मेन चीज़ आपका बच्चे का आधार कार्ड वगैरह हो जाता है, पेरेंट्स के आधार कार्ड वगैरह हो जाते हैं, बैंक पासबुक की कॉपी भी आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें पैसे भी आते हैं, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करवाती है वो पैसे वगैरह भी आते हैं। तो बैंक पासबुक, आधार कार्ड बच्चे का, और आपके अगर आप लड़की हैं तो लाडली फॉर्म के लिए अपना सब कुछ, अपना प्रोसीजर तैयार रखें। आपने बर्थ सर्टिफिकेट भी देना होगा, जन्मपत्री होती है,
जन्म प्रमाण पत्र वो भी अपने साथ में लेकर के चलें, फ़ोटो अपने पास रखें, बच्चे का फ़ोटो होना चाहिए, फ़िलहाल पेरेंट्स की फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहें कि मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट की वीडियो बनाऊँ तो मैं आपको डॉक्यूमेंट की वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। आप अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आप अपनी क्लास और आपने कौन से स्कूल के लिए भरा है, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट में भरो लिखो। उसके बाद मैं आपको, अगर आप चाहो तो जो भी टॉपिक उस पर वीडियो आ जाएगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो, छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना करके शेयर कर सकते हैं, तो आपको वीडियो में तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। अब बात करते हैं भाई, डॉक्यूमेंट्स आपने रख लिए तो 29 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया, 30 तारीख से आप स्कूलों में जाएंगे, जो स्कूल आपको अलॉट हो जाएगा और रिजल्ट में ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में फिर हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया 30 तारीख से, है ना, 30 अप्रैल से। और 30 अप्रैल को जैसे ही आप स्कूल जाते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, तो स्कूल में आपको हेल्प डेस्क मिल जाएगा, वहाँ से आप इंक्वायरी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि भाई इधर उधर परेशान आप बिल्कुल ना हो, हो सकता है इधर उधर आपको कुछ किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया और आप उसी को सही मान बैठे। तो आपके पास हमारा चैनल है, आप हर एक चीज़ हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो आप स्कूल जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे एंड स्कूल आपको टाइमिंग भी दे देगा कि भाई कितने बजे से कितने बजे आपको जाना है। अगर आपका स्कूल है मॉर्निंग वाला, है ना, गर्ल्स वाला स्कूल है, तो ये लगभग 8 बजे से शुरू हो जाता है हेल्प डेस्क और 8 से लगभग 12 बजे तक वो काम करते हैं, 12-12.30 बजे तक, है ना। तो मैं चाहूँगा कि पहले दिन आप बिल्कुल ना जाइए, 30 तारीख को आपको नहीं जाना। अगर आपका नाम आ गया है उस स्कूल में आ गया है तो आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप 30 तारीख को जाओ चाहे आप लास्ट डेट से पहले जाओ। तो पहले दिन क्या होता है, बड़ी भीड़ होती है तो हबड़ा तबड़ी में, मतलब धक्का मुक्की मारामारी होती है, तो हो सकता है आपके पसीने छूट जाए, तो पहले दिन ना जाएं, ठीक है। और या तो आप जाएं तो भाई जल्दी आप जा करके थोड़ा सा हालचाल देख लो, क्योंकि भीड़ लगी होगी तो आपको हो सकता है टोकन मिल रहा हो, है ना। तो आप जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे और आपको एक पर्ची दे दी जाएगी, उस पर्ची में लिखा होगा कि भाई आपकी क्लास कौन सी है, आपका सेक्शन कौन सा है। यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स को दिक्कत होती है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी इंग्लिश मीडियम पर भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। जो भी टॉपिक्स आपको मन में डाउट्स वगैरह रहते हैं, जो भी आपके क्वेरीज होते हैं, वो आप फट से कमेंट कर लीजिए। और भैया मुझे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे सिर्फ वीडियो भेजें, क्योंकि जो आपका डाउट है आप उसे वीडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं आपको प्रॉपर आपको इसका सजेशन जो है वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपके ये क्लियर हो गया होगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, रिजल्ट ऑनलाइन ही आएगा, आराम से आएगा, और जब तक रिजल्ट आएगा तब तक चिल मचाओ, है ना। बाकी आपने कौन सा स्कूल भरा है, कौन सी क्लास के लिए, जल्दी से कमेंट कर लो। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।